दोस्तों क्रिकेट में हर खिलाड़ी का सपना होता है वो पूरे एंटायर क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए और आईपीएल ऐसे सच भी करता है दोस्तों। काफ़ी खिलाड़ी तो इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो पूरे एंटायर अपने क्रिकेट करियर में नहीं कमा पाते, बट दोस्तों कुछ खिलाड़ी इस सपने से वंचित भी रह जाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो इस सपने से वंचित रह जाएंगे, मतलब कि आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में नहीं बिकेंगे। इतने सारे प्लेयर की रिक्वायरमेंट के बाद और दो नई टीम आने के बाद भी यह खिलाड़ी फिर भी नहीं बिकते हुए दिखेंगे आपको आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में। तो जान लेते हैं उन खिलाड़ियों के नाम। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप आईपीएल के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आप नहीं हो आईपीएल के फ़ैन तो आप छोड़ सकते हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उन 10 खिलाड़ियों के नाम जो आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में बिल्कुल नहीं बिकने वाले दोस्तों। तो गाइस हमने नंबर 10 पे रखा है आदिल रशीद को। दोस्तों आदिल रशीद इंग्लैंड के मेन स्पिनर हैं और उनके ना बिकने का भी यही कारण है कि वो एक स्पिनर हैं, क्योंकि भारत के पास ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स पहले से ही मौजूद हैं जिनको वो अभी तक मौका भी नहीं दे पा रही है। और ऐसे में अगर एशिया के बाहर के अगर कोई स्पिनर को ले लिया जाए तो वो चल ही नहीं सकता आईपीएल में। आपने ऐसे कितने स्पिनरों को देखा होगा जो बाहर से आए और एशिया के बाहर से, मैं अपने पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा, ये जैसे कि अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के बाहर के स्पिनरों की जो कि सिर्फ प्रॉपर स्पिनर हैं और काफ़ी चले हैं। सिवाय आप एक दो को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी स्पिनर नहीं है जो कि आईपीएल में अपना जलवा दिखा पाए। शेन वॉर्न को छोड़ दें आप और एडम जैम्पा को छोड़ दें, एडम जैम्पा भी लगभग 50-50 रहे हैं, बट दोस्तों ये दो प्लेयर को अगर आप छोड़ें तो ऐसा कोई भी शायद से प्लेयर नहीं है जो बाहर से, एशिया के बाहर से हो और आईपीएल में अपना जलवा दिखा पाए और करोड़ों की बिड ले जाए। तो नंबर 10 पे हमारे ये होने वाले हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9 के। तो नौवें नंबर पे हमने रखा है दोस्तों शार्डल कॉटरेल को। जब भी शार्डल कॉटरेल का नाम याद आता है तो दोस्तों हमें याद आता है शारजा का वो मैच जहाँ राहुल तेवतिया ने उनको एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए थे। दोस्तों शार्डल कॉटरेल अपने आईपीएल करियर के एकदम पीक पे थे और फिर वो सामने पड़ गए राहुल तेवतिया के और उनका सारा आईपीएल करियर धरा का धरा रह गया दोस्तों। उसके बाद ये आईपीएल में बिके भी नहीं। तो दोस्तों ये हमारे नंबर 9 के प्लेयर होने वाले हैं जो आईपीएल 2022 में बिल्कुल नहीं बिकने वाले दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो दोस्तों अब हमने नंबर 8 पे रखा है मुस्तफिजुर रहीम को। दोस्तों आईपीएल जब से शुरुआत हुई है आईपीएल की तब से ही अपना नाम आईपीएल में डालते आए हैं, अपने नाम की पर्ची डालते आए हैं और हर बार निराशा इनके हाथ लगी है। एक भी बार आईपीएल में नहीं बिके, पूरे एंटायर आईपीएल में एक भी बार नहीं बिके, जितनी बार भी नाम दिया है हर बार अनसोल्ड गए हैं दोस्तों। और इनके बयान भी आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कि इन्होंने इस बार भी बोला था कि अपना आईपीएल 2021 के ऑक्शन में नहीं देने वाले, बट दोस्तों उन्होंने अपना नाम दिया और फिर से वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, फिर से अनसोल्ड हो गए। सो गाइज अब हमने नंबर 7 पे रखा है लैंडन सिमंस को। आपको याद होगा पहले ये मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते थे और ओपन करते थे, तो काफ़ी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी स्टैंड करते थे रोहित शर्मा के साथ मिल गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एवन लुइस आए जिनको छोटा क्रिस गेल कहा जाता था आईपीएल में, तो उन्होंने इनकी जगह ले ली और लैंडन सिमंस का बिकना बंद हो गया आईपीएल में। उसके बाद दोस्तों एवन लुइस भी बंद हो गई बिकना, उनकी जगह क्विंटन डी कॉक ने ले ली। दोस्तों ये सब चलता रहता है आईपीएल में और लैंडन सिमंस की अब एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब शायद उन कोई भी टीम उनकी तरफ ना देखे। सो गाइस अब हमने नंबर 6 पे रखा है एस्टन टर्नर को। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से जस्ट 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी भारत का दौरा करने के लिए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ना तो डेविड वार्नर थे ना स्टीवन स्मिथ थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया के घर पे हरा के गई, जिसमें एस्टन टर्नर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही। दोस्तों आपको याद होगा वो पास जिसमें इन्होंने 85+ रन कर दिए थे और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि अब यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी, वहाँ पे एस्टन टर्नर आए और पूरा मैच का रुख बदल दिया। उसके बाद दोस्तों इनको आईपीएल में भी खरीदा राजस्थान रॉयल की टीम ने और एक ही आईपीएल सीजन में 4 डक बना गए और उसके बाद इनका भी बिकना बंद हो गया आईपीएल में। तो इस बार भी अगर ये अपना नाम देते हैं तो एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं और आईपीएल लीग में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, तो इस साल भी ये नहीं बिक पाएंगे। अब दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे हमने रखा है
डैरेन ब्रावो को, ड्वेन ब्रावो के छोटे भाई हैं दोस्तों ये, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज़ के लिए और अन्य लीगों में भी जाके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ही करते हुए आए हैं, बट दोस्तों आईपीएल में नहीं बिक पाते, पता नहीं इसकी वजह क्या है। ये तो खैर किसी को समझ में नहीं आता, टीम इन पर विश्वास नहीं दिखाती है और अब तक जब इन पर सिंगल बिड भी नहीं लगी है, पहले आए थे, पहले कुछ मैच भी खेले लेकिन फिर इनका बिकना बंद हो गया, तो हो सकता है इस साल भी ये ना बिक पाएँ और इस बार भी हमें ये हाथ मलते हुए दिखाई दें दोस्तों। तो गाइस अब हमने नंबर 4 पे रखा है तेशारा परेरा को। दोस्तों तेशारा परेरा ने पहले से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब शायद ये हमें किसी भी और लीग में खेलते हुए ही नज़र ना आए, तो एक बहुत बड़ा कारण है जो तेशारा परेरा को अनसोल्ड कराएगा इस साल के आईपीएल सीज़न में भी। दोस्तों एक समय था जब श्रीलंका के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा आईपीएल में खेला करते थे और यहाँ तक कि कप्तानी भी करते थे टीमों की, अब दोस्तों उनका बिकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी श्रीलंका क्रिकेट में इतने अच्छा कोई प्लेयर निकल के आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी श्रीलंका बोर्ड के पास इतना ज़्यादा शायद इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है जो कि वो नए नए प्लेयरों को डेवलप कर सके। दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अब हमें श्रीलंका का कोई भी प्लेयर आईपीएल में खेलता हुआ नज़र नहीं आता है। सो गाइज अब हमने नंबर 3 पर रखा है ओशियन थॉमसन को। दोस्तों ये भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, सेम एज सैडल कॉटरल, सेम गति पे बॉलिंग करते हैं दोनों और दोस्तों ये बिक भी गए थे, ये काफ़ी टाइम पहले आईपीएल में प्रदर्शन कर चुके हैं और ठीक ठाक प्रदर्शन कराया, लेकिन दोस्तों 4 फॉरेन प्लेयर के रूल की वजह से ये आईपीएल में मैच नहीं खेल पाए ज़्यादा, और दोस्तों ये जो है राजस्थान रॉयल की टीम के साथ काफ़ी टाइम से थे और कुछ टाइम पहले पंजाब किंग्स में भी खेला करते थे, उसके बाद दोस्तों अभी राजस्थान रॉयल की टीम में थे, उसके बाद मौका नहीं मिला इनको खेलने का तो बिकना भी बंद हो गए क्योंकि और टीमों ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, फिर प्रदर्शन निकला नहीं इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक बहुत बड़ा कारण है ये ओशियन थॉमस अब हमें आईपीएल में अनसोल्ड होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। तो गाइस अब हमने नंबर 2 पे रखा है मैथ्यू वेट को। दोस्तों मैथ्यू वेट जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था तो आपने देखा होगा मैथ्यू वेट के जो शॉर्ट सिलेक्शन है, कॉमेंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्रेटर ने बोला था, क्रिकेट एक्सपर्ट ने बोला था कि मैथ्यू वेड के शॉर्ट सिलेक्शन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोस्तों एक यही बहुत बड़ा रीज़न है कि मैथ्यू वेड अब तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं और अभी तक अपनी जगह पुख्ती नहीं कर पाए हैं। सो गाइस अब हमने नंबर 1 पे रखा है कार्लोस ब्रैथवेट को। आपको याद होगा रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, जो लाइन बोली गई थी 2016 के वर्ल्ड कप में और 2019 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद से कार्लोस ब्रैथवेट को ऐसे दरकिनार कर दिया है कि जैसे कि वो अब बूढ़े हो चुके हो दोस्तों। अभी ना तो वो किसी भी ना तो अब वो दोस्तों उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में चुना जा रहा है और ना ही वो लीग में जाके अपना कमाल दिखा पा रहे हैं। दोस्तों अब आईपीएल की टीमों ने भी उनसे रुख कर लिया है और ना ही उन पर कोई बेड लगाना चाहता है और ना ही अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर भी कोई उनको सिलेक्ट नहीं करता। तो एक ये थे वो 10 प्लेयर दोस्तों जो शायद आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में भी नहीं बिक पाएंगे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके मुताबिक ऐसा और कौन सा प्लेयर है जो शायद आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में नहीं बिक पाएगा मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।